तो चलिए फिर अब इसका 0 to 60 टेस्ट शो करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 RPM से नीचे थोड़ी सी लेजी है गाड़ी, ये गाड़ी ने 60 टच कर लिया काफी आसानी से, तो पिकअप जो है वो काफी बेहतरीन है इसका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार स्कूल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं स्विफ्ट डीजल का। ये आप स्विफ्ट डीजल का 2015 मॉडल देख रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कार काफी अच्छी कंडीशन में है, बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं। और ये जो कार है ये टोटल 67,000 किलोमीटर चल चुकी है और फिलहाल गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है वो हम आपको ड्राइव करके बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। इसकी सर्विस 65,000 किलोमीटर्स पे हुई है और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो 2500 से 3000 के बीच का सर्विस कॉस्ट आ जाता है स्विफ्ट डीजल का। तो अगर आपको एक कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी चाहिए तो आप स्विफ्ट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी कार है और मेंटेनेंस भी गाड़ी का काफ़ी कम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लुक वाइज भी काफ़ी स्टाइलिश लगती है गाड़ी। और इसकी बॉडी की बात करें तो नई वाली स्विफ्ट से जो है वो काफ़ी मजबूत है इसकी बॉडी। तो चलिए फिर अब आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। सबसे पहले ये कार टोटल 67,000 किलोमीटर चली है, तो देखते हैं कैसी कंडीशन में है इसका इंजन। तो बोनेट खोलते हैं अब इसका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंजन जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और कहीं पर भी कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है। 1248 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है हमें गाड़ी के अंदर और ये है सुजुकी DDIS इंजन की बैजिंग। और इंजन जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, आराम से 22 से 28 के बीच में निकाल देती है। मेनली माइलेज जो है चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर आप सेकेंड हैंड स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो आपको 2015 मॉडल अराउंड 3.5 लाख तक मिल जाएगी काफ़ी आराम से। और ये हैं इसके टायर्स, इसमें हमें मिल जाते हैं 14 इंच के स्टील व्हील्स, ये इसके टायर का साइज़ है। तो चलिए फिर अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो अब इसका बूट खोल के देखते हैं, की से बूट ओपन होगा और बाकी अंदर से हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी में डिसेंट बूट स्पेस मिल जाता है, 232 लीटर का बूट स्पेस है। और ये हैं नंबर प्लेट के ऊपर वाली लाइट्स, ये लगेज ट्रे है। और जो बूट है इसका वो थोड़ा डीप है तो सामान रखने में और निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी नीचे है बूट। बाकी नीचे इसका स्पेयर व्हील है तो वो भी दिखा देते हैं, ये है इसका स्पेयर व्हील। तो चलिए फिर अब चलते हैं आगे की तरफ और इसका पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा गाड़ी के अंदर और डोर पे थोड़ी सी फैब्रिक फिनिश मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो स्विफ्ट में लेग स्पेस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं इतना स्पेस बचा हुआ है और आगे की जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हेड स्पेस थोड़ा कम है, अगर पीछे 6 फीट का बंदा बैठता तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी बैठने में। और पीछे बात करें तो 2 लोग काफ़ी आराम से बैठ जाएंगे, 3 लोगों को बैठने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये इसका पैसेंजर साइड डोर है, ये ग्रैब हैंडल्स हैं। बाकी सेंटर का जो हम्प है वो काफ़ी छोटा मिलता है और ये जो है ये हिस्सा काफ़ी पीछे तक आ रखा है इसका, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगी बैठने में। ये सीट पॉकेट्स हैं और आगे हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे और पीछे में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी आदमी को बैठने में। तो पीछे जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जिसकी वजह से पीछे बैठने में काफ़ी आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी कोई। और ये है गाड़ी का डैशबोर्ड। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा पीछे हमें स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, तो चलिए अब इसका ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं
और जैसा कि आप देख रहे हैं सिल्वर कलर की लाइनिंग मिलेगी गेट्स पे, जो कि डैशबोर्ड पे भी है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है और कुछ ऐसा है गाड़ी का इंटीरियर। और ये है सीट एडजस्टर, ये सीट है इसकी। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगे लेग स्पेस हमें ठीक ठाक मिल जाता है, और साइड सीट में जो है साइड सपोर्ट वो अच्छा नहीं है, और सीट्स जो हैं थोड़ी कम कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप नई वाली स्विफ्ट से कंपेयर करेंगे तो उसके बराबर कंफर्टेबल सीट्स नहीं है इसमें। ये पैसेंजर साइड डोर है, फ्रंट में ग्रैब हैंडल है और वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और ये लगा हुआ है इसमें आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन स्टीरियो पाइनर का, तो इसका वीडियो भी आने वाला है जल्दी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ये एसी के कंट्रोल्स हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ग्लब बॉक्स के अंदर डिसेंट स्पेस मिल जाता है। और ये जो आप कार देख रहे हैं ये टोटल चल चुकी है 67,000 किलोमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मीटर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें माइलेज फिलहाल 22.5 KMPL का दिखा रहा है, तो माइलेज जो है स्विफ्ट काफी अच्छा निकाल देती है। तो चलिए फिर अब इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। तो चलिए फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। तो फिलहाल जो है गाड़ी बंद है, तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो हल्का सा लंबा सेल्फ लिया गाड़ी ने, और फिलहाल आइडल कंडीशन में है। आइडल कंडीशन में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। एक बार एसी ऑन करके देखते हैं इसका। तो एसी ऑन होने पे भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, और जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे इंजन की साउंड जो है वो केबिन में आ रही है आइडल कंडीशन में। तो चलिए फिर अब इसका फर्स्ट गियर डालते हैं। तो जो इंजन की साउंड है वो आपको केबिन के अंदर आने वाली है। और ये जो कार है टोटल 67,000 किलोमीटर चली है। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो काफी लाइट है, और पकड़ भी ठीक ठाक मिल जाती है स्टीयरिंग पे। एडजस्टेबल स्टीयरिंग है गाड़ी के अंदर, तो अपनी हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे बम्प्स का इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा, हाँ जो थोड़े बड़े बम्प होंगे उनका पता लग जाएगा आपको। ये आगे स्पीड ब्रेकर है, तो देख लेते हैं कितनी आवाजें हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आपने सुना गाड़ी में कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। और स्पीड ब्रेकर से काफी इजीली निकल गई, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आई इसके अंदर। और 2000 RPM से नीचे जो है वो हल्की सी लेजी है गाड़ी। बाकी गाड़ी में विजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी की विजिबिलिटी ठीक ठाक है। और गड्ढों का देखते हैं एक बार चला के गाड़ी को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े गड्ढों का पता लगेगा खाली, छोटे गड्ढों का पता नहीं लगेगा। और जैसे ही 2000 RPM को पार करेगी एकदम से पावर में आपको पंच मिलेगा एक। और फिलहाल जो है गाड़ी एसी पे चल रही है। हम इसका 0-60 टेस्ट जो है दोनों तरीके से करेंगे, एसी को ऑन करके और ऑफ करके। तो फिलहाल जो है ऑन करके करेंगे। तो सस्पेंशन जो है गाड़ी का वो ठीक है, फिलहाल 67,000 चल चुकी है और कोई दिक्कत नहीं है सस्पेंशन में, ना ही गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा साउंड है अभी तक। डिक्की में जो सामान रखा है उसकी थोड़ी बहुत आवाजें हैं, बाकी बॉडी में कोई भी आवाज नहीं है।
तो चलिए फिर अब इसका 0 to 60 टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल गाड़ी आइडल कंडीशन में आ चुकी है, ये हमने गाड़ी का फर्स्ट गियर डाल दिया है और एसी जो है गाड़ी का वो ऑन है। तो चलिए फिर 3, 2, 1 और ये शुरू में व्हील स्पिन हुआ। गाड़ी के जो बैरिंग है वो आवाज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, एक बार बीच में ट्रैफिक हो गया था थोड़ा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 आरपीएम से नीचे लेजी है और जैसे ही 2000 आरपीएम को पार करेगी पावर में पंच मिलता है गाड़ी में और काफी इजीली गाड़ी जो है 80 पहुंच गई। तो जो पिकअप है वो काफी बेहतरीन है गाड़ी का और ब्रेकिंग जैसा कि आप देख रहे हैं ये 100 से 20 आ गई काफी इजीली। तो ब्रेकिंग जो है गाड़ी की वो भी ठीक ठाक है। तो अब इसका जो है 0 to 60 टेस्ट करते हैं एक बार एसी बंद करके। तो ये हमने गाड़ी का एसी बंद कर दिया और फर्स्ट गियर डाल दिया गाड़ी का, थोड़ा रोड को क्लियर हो जाने देते हैं। तो चलिए फिर अब इसका 0 to 60 टेस्ट शो करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 आरपीएम से नीचे थोड़ी सी लेजी है गाड़ी, ये गाड़ी ने 60 टच कर लिया काफी आसानी से। तो पिकअप जो है वो काफी बेहतरीन है इसका और गाड़ी जो है 67,000 किलोमीटर चली है। अभी हमको इसको चलाने में बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि इसके जो बैरिंग है वो आवाज कर रहे हैं आगे के, जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे गू 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 करके साउंड आ रही है एक। बाकी गाड़ी का एसी जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होगी एसी को लेके, काफी अच्छी कूलिंग करता है। और गाड़ी के हैंडलिंग की बात करें तो काफी अच्छी हैंडलिंग है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है स्टेयरिंग का। गाड़ी में बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है और स्विफ्ट के मेंटेनेंस की बात करें तो बिल्कुल कम मेंटेनेंस है स्विफ्ट का, इसे अगर आप i20 से कंपेयर करते हैं तो बहुत कम मेंटेनेंस है स्विफ्ट का। और जैसा कि आप देख रहे हैं बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। और जजमेंट को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, बोनेट नहीं दिखेगा अंदर से पर जो मिरर है वो आगे का काफी बड़ा मिलता है। और अब हम इसका एक बार माइलेज देखेंगे कि इसने हमें कितना माइलेज दिया है जिस तरीके से हमने इसको चलाया है। और गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेकिंग काफी अच्छी है। तो अब इसका माइलेज देखते हैं कितना माइलेज दे रही है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके एमआईडी में 22.3 केएमपीएल का माइलेज दिखा रहा है, तो 20 से नीचे तो ये जाने वाली है ही नहीं माइलेज अगर आप देखेंगे इसका। और अगर आप प्यार से चलाते हैं तो 28 तक का माइलेज काफी आराम से निकाल देगी स्विफ्ट। तो फ्रेंड्स इतनी ही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय।